महक कह रही हैं कि हाउ आई डील विद विद टॉक्सिक पेरेंट्स स्टडीज महक ये बहुत बड़ी समस्या है अगर मैं बात करूं दुनिया भर का तो पता नहीं बट हाँ इंडिया में ऐसा हो सकता है कई बार उसका रीजन बहुत सारे हो सकते हैं चाहे वो हमारी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हो चाहे और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कई बार बाय नेचर ही मतलब हमारी अपब्रिंगिंग से लेके तो सत्तर चीजें हो सकती हैं इसमें जो ये टॉक्सिसिटी है बट हाँ एक चीज इसमें कही जा सकती है आप जो कह रहे हो ना कि अलोंग विद माई स्टडीज तो ये जो स्टडीज है आपकी या जो आपका फ्यूचर है ये आपके लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन का काम कर सकता है मतलब कई लोगों को ना नीड क्रिएट करनी पड़ती है कि मोटिवेट होना है तो बताओ कोई नीड तो होनी चाहिए ना जिससे मोटिवेशन आएगी तो आपके पास नीड ऑलरेडी बहुत बड़ी है कि आपको इन सर्कमस्टेंसेज से निकलना है और इनसे ऊपर पहुंचना है तो वो ऊपर पहुंचने के लिए मुझे लगता है ये बहुत बड़ी मोटिवेशन है आपके पास तो इसको तो आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज इस पर कर ही नहीं सकते या इसको बहाना नहीं दे सकते कि पेरेंट्स टॉक्सिक हैं तो मैं पढ़ाई ना करूँ नहीं तो आप अदरवाइज पूरी लाइफ टॉक्सिस टॉक्सिसिटी में बता दो चाहे वो पेरेंट्स की हो या फिर कहीं और किसी और तरीके से क्रिएट हो जाएगी तो ये तो बहुत बड़ा मोटिवेशन आपके पास ऑलरेडी है अब कई लोग कहेंगे यार ये भी कोई बात है मतलब कैसी बात कर रहे हो कोई तो पेन में और आप ये कह रहे हो बट ये रियलिटी है जो आपके सर्कमस्टेंसेज हैं जो आपकी रियलिटी है वो आपको फ्यूल का काम करनी चाहिए आपको बढ़ाने का काम करनी चाहिए ना कि रोकने का चाहे वो कैसी भी है ठीक है तो जरूरी है कि हम इसको मोटिवेशन की तरह लें जो भी सर्कमस्टेंसेज रहे आपको ये मान लेना है कि पढ़ाई पे तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी या करूंगा चाहे कुछ हो जाए चाहे रात को पढ़ना हो जब सो रहे हो चाहे लाइब्रेरी ज्वाइन करनी हो चाहे उनसे बात करनी हो अगर कुछ हद तक पॉसिबल है कुछ भी करिए या कहीं और शिफ्ट होना हो मान लीजिए तो खुद से अपना जीवन चलाना है किसी भी तरह से बहुत सारे तरीके हो सकते हैं वहां रहते हुए भी आपको मतलब ये मान लेना है कि ये चीज पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी अगर इन सब सर्कमस्टेंसेज से निकलना है इन चीजों को बदलना है तो ठीक है और धीरे धीरे आपकी बात में भजन आएगा तो शायद उनको भी समझ आए ठीक है